जीवन एक रहस्यमयी घटना है जो कहीं न कहीं इवोल्यूशन को प्रेरित करती है। परंतु क्या आपको पता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर कैसे हुआ हमारे यूनिवर्स का निर्माण? आखिर पृथ्वी पर सबसे पहली लाइफ कैसी थी और कब उत्पन्न हुई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। सो हे गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। हमें उस समय में जाना होगा कि जब पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था, जब हमारे पास कोई भी सोलर सिस्टम नहीं था, हमारे पास कोई भी ब्रह्मांड नहीं था। तो आइए चलते हैं हम लोग समय में पीछे की ओर। सही मायनों में माना जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कण मात्र है। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित हैं। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित रहते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कण मात्र ही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोटक का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है कि बिग बैंग की घटना के पहले ब्रह्मांड एक कण मात्र था, परंतु अचानक से उसमें एक विस्फोट होता है जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय पश्चात हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण कंडेंस हुई। ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाश गंगा में हम आज रहते हैं और सौरमंडल में पृथ्वी की रचना लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व यानी 450 करोड़ पूर्व मानी जाती है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल, वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हो गई। सूर्य से आने वाली यूवी रेस ने पानी को दो भागों में तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हल्की होने के कारण वायुमंडल में चली गई, जबकि ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का निर्माण किया। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसी, गहरे स्थान भर गए जिससे ओशियंस की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ यानी 500 मिलियन वर्ष के पश्चात अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? कुछ वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि जीवन अंतरिक्ष से ही आया होगा। कुछ ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन स्पोर नामक इकाई द्वारा अनेक ग्रहों से स्थानांतरित होते हुए हमारी पृथ्वी पर आ पहुंचा। कुछ खगोल वैज्ञानिक पैंसपर्मिया यानी सर्व बीजाणु को भी अपना मन पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। काफ़ी समय तक यह भी माना जाता रहा गया कि जीवन सड़ती हुई सामग्री जैसे भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ हो। यह स्वतः जनन नामक सिद्धांत था जिसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा गया। लुईस पाश्चर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि जीवन पहले से ही विद्यमान जीवों से निकलकर आया है। उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत इष्ट से जीव नहीं पैदा होता है, जबकि दूसरे खुले हुए फ्लास्क में मृत इष्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। इस प्रकार से स्वतः जनन नामक सिद्धांत को एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन सभी बातों से यह उत्तर नहीं मिलता कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया होगा। रूस के ओपेरिन तथा इंग्लैंड के हॉलैंड नामक वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु जिन्हें आरएनए प्रोटीन से आया हुआ हो सकता है। जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद गठित हुई थी जिससे अकार्बनिक संघटकों से विविध कार्बनिक अणुओं का
गठन हो सका। उस समय पृथ्वी की उच्च तापयुक्त अवस्था थी। पृथ्वी पर ज्वालामुखी तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन अमोनिया आदि की कमी थी। एक अमेरिकी वैज्ञानिक एस एल मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने की स्थिति पैदा कर दी। इन्होंने एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर सभी को एक साथ विद्युत डिस्चार्ज करा के देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे अमीनो एसिड का निर्माण हो रहा था। अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार से कुछ प्रयोग किए जिनसे उन्होंने ऐसी ही घटना के बारे में बताया। सीमित साक्ष्यों के आधार पर निराधार कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को थोड़ी बहुत मात्रा के रूप में स्वीकृत किया जा सका है। हमें यह आभास भी नहीं कि जीवन का स्वतः प्रतिकृति क्षम चपापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ था। हमें यह आभास ही नहीं कि जीवन का पहला कैप्सूल कब पैदा हुआ होगा। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप आज से लगभग 3 अरब यानी 300 करोड़ अर्थात 3 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। ये भीमकाय अणु रहे होंगे जैसे आरएनए प्रोटीन पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में। ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सबसे पहले कोशिकीय प्रकार का जीवन का रूप आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व तक प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित ये कोशिकीय रहे होंगे। सभी रूप उस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। अजीवात जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत को आज बहुत ज़्यादा बहुमत मिला है। फिर भी एक बार बन चुकने पर किस प्रकार कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त कर ली सो ये आज भी बहुत ही समझना बहुत ही जटिल है। परंतु आज हमने जान लिया कि हमारा संसार बहुत ही आगे जा चुका है और आज हमने बहुत तेज़ी से बहुत सारे इक्विपमेंट डेवलप कर ली हैं और आज हमने ये जान लिया है कि सर्वप्रथम अकोशिकीय रूप कब पैदा हुआ था और आज हमने ये जान लिया कि कोशिकीय प्रकार का जीवन कब तक नहीं पैदा हुआ होगा या फिर ये उत्पन्न रहे होंगे। परंतु आपको ये जानना अवश्य है कि आज हम दुनिया में कितने आगे जा चुके हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है अकोशिकीय रूप के जीवन को उत्पन्न होने में कितनी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना होगा। सो इस तरह से कैसे करके हमारे इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रही होगी और आज उस उत्पत्ति के फलस्वरूप उसमें बहुत सारे बदलाव हुए होंगे जिसके फलस्वरूप वो जीवों का नए से नए जीवों का डेवलपमेंट हुआ होगा। फिर इसके पश्चात धीरे धीरे नए नए प्रजातियों का प्रजनन होते होते आज जो है संसार इतना बड़ा विकसित हुआ होगा और धीरे धीरे मानसिकताएँ शारीरिक और मानसिक रूप से जो है स्वस्थ और सुरक्षित मानव पैदा हुआ होगा और इस तरह से जो है आज इस संसार का निर्माण हुआ है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट हमें करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और रहस्यमय वीडियो लेकर आते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।